बस ये आखिरी सवाल नमाज का वक्त हो गया। अलैकुम प्यारे हुज़ूर, मेरा नाम उसामा अहमद है। मैंने पूछा था कि एक बार आपकी अम्मी जान को जर्नी के रोशन फ्यूचर के बारे में एक ख्वाब आई थी, वो क्या थी? मैंने तो लोगों से सुनी है हैं कि उन्होंने कहा था, किसी औरत को, खातून गई थी, कि मैंने देखा कि जर्मनी की चाबियां मेरे हाथ में हैं, उनके हाथ में। तो उसके उन्होंने ये इस्तंबात किया था, ये नतीजा निकाला था कि शायद जर्मनी में अहमदियत इंशाल्लाह ताला फैलेगी जल्दी। लेकिन हजू, जब ये तीसरी जंग के जीम की वजह से यूरोप में तबाही बहुत ज़्यादा आएगी, उसकी वजह से लोग भी कम दुनिया में बहुत बचेंगे जगहों पे आएगी, जी, तो लेकिन वो पेशगोई की कसरत से लोग जमात के अंदर दाखिल होंगे, वो कैसे पूरी होगी? सवाल है। जो जब तबाही आएगी तो फिर लोगों को सिनेमा और इंटरनेट और टीवी और पोर्नोग्राफी और बेहूदा चीज़ें और इस चीज़ों की तरफ तवज्जो तो नहीं ना होगी। फिर वो बैठे होंगे तो उस वक्त तुम जाना उनके पास, कहना अगर अब बचना है ना अगली तबाही से तो अल्लाह को मानो, ठीक है? फिर तुम्हारी तबलीग काम आएगी, लोग आमदी हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है, इसलिए जज़ाकअल्लाह। तैयार करो तुम लोग। ठीक है, जज़ाकअल्लाह। अभी से लोगों को बताते रहो तो भाई आनी है, तुम लोगों ने अहमदी होना है, इसलिए बजाय कि मरने के बाद अहमदी हो, पहले ही हो जाओ। और ये साथ तुम लोगों के लिए भी सबक है, अहमदियों के लिए भी, कि अहमदी भी अपने हालत को बदलें और नेक रखें। ये नहीं, अल्लाह ताला ये नहीं करेगा कि हमने कह दिया हम कलमा पढ़ लिया, हम मुसलमान हैं और हमने मसीह मौत को मान लिया और बैत कर ली और हैं तरीके इसके चंदा दे दिया, तो हमारे पे तो वही नहीं आएगी। अल्लाह ताला से मोहब्बत पैदा करने की ज़रूरत है, जिस तरह मैंने उसके जवाब में बताया ना कि ज़ाती ताल्लुक़ भी होना चाहिए। अल्लाह ताला दे दे इनामात, दे दे तो बड़ी अच्छी बात है, ना दे तब भी हमने उससे प्यार करना है, ठीक है? आपकी इजाज़त से एक और सवाल पूछ सकता हूँ मैं? तुम तो सवाल पूछे चले जा रहे हो, एक बगैर इजाज़त के दो सवाल कर रही हैं तुम, तीसरा सवाल इजाज़त से कर लो। हाँ ठीक है, आखिरी वो मैं पूछना था कि ये जो आजकल हम लोग खबरें सुन रहे हैं दुनिया और रूस के बारे में तैयारियां कर रहे हैं, तो क्या ये दज्जाल की अलामतें हैं? क्या? ये जो रूस की खबरें हम लोग सुन रहे हैं कि वो सीरिया में अटैक कर रहे हैं, ये वो, ये क्या ये दज्जाल की अलामतें हैं? सवाल के रूस क्यों सारे ये कर रहे हैं? सारे ये जाल ही हैं। कौन से नेक हैं, दूसरे कौन से बड़े वलीउल्लाह हैं जो कर रहे हैं हमले, चाहे वो रूस हो या अमेरिका हो या जो भी हो। असल में तो ये खुद ही इन्होंने खुद ही अब तो खुद प्रेस करने लगे हैं। मैंने कल खुद में भी जिक्र किया था कि खुद ही इन्होंने ये तंजीमें बनाई हुई हैं, खुद ही इनको फंड कहाँ से आ रहे हैं, मिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर जा रहे हैं। और जो ऑयल वेल जो कब्जे किए हुए हैं इन्होंने, दाइश ने, वो टर्की भी उसे खरीद रहा है और अमेरिकन को पता खरीद रहा है ऑयल। सीरियन भी जा रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं, सप्लाई उनकी कोई नहीं रोकता। अंडर हैंड डीलिंग होती है, उनको भी पता है, बैंक ट्रांजेक्शन भी हो रही हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, उनको भी पता है। तो सब कुछ हो रहा है, ये दजाल ही और क्या है। ऊपर से कोई धोखा देते हैं, अंदर से कुछ करते रहते हैं, हैं? तो अब देखो कौन सा दजाल कामयाब होता है, उसके बाद उसकी बारी किस तरह आती है। बाद दफ़ा अल्लाह ताला दुश्मनों को आपस में लड़ा के मारता है, फिर आखिर में एक को उस तरह दूसरी तरह मार देता है ताकि सारी ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला के अपने तरीके हैं, उसकी अपनी हिकमतें हैं, वो जानता है। जज़ाकअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम।